हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। खुद की तारीफ किसे पसंद नहीं होती, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी सराहना करें। आपने देखा भी होगा, लोग सोशल मीडिया पर अपनी एक से एक तस्वीर डालते हैं जिससे लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ सके और लोग उनकी तारीफ करें। खासतौर पर लड़कियां इस मामले में लड़कों से काफी आगे होती है और इस बात का सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया पर लड़कियां खूबसूरती बिखेरने में कितनी फॉरवर्ड है। आमतौर पर जहां लोगों को उनके पॉपुलर होने के फायदा होता, वही एक मोहतरमा को पॉपुलर होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इनकी सुंदरता ही इनकी दुश्मन बन गई और इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आप भी हैरान हो गए होंगे, तो पूरा मामला जान लेते हैं। इस लड़की को अपने खूबसूरत होने की वजह से नौकरी दांव पर लगानी पड़ी ही है, और तो और उसे किसी कंपनी ने नहीं बल्कि सरकार ने ही बैन कर दिया है। ये लड़की कंबोडिया की है और आए दिन ये अपनी खूबसूरत तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालती रहती थी। ये पेशे से अभिनेत्री है, जिस वजह से इनकी तस्वीरें न सिर्फ आकर्षक होती थी बल्कि काफी हॉट भी। 24 साल की इस कंबोडियाई अभिनेत्री का नाम डेनी वान है और इन्हें वहां की सरकार ने एक साल के लिए फिल्मों में काम करने से बैन कर दिया है। देश के संस्कृति और फाइन आर्ट्स मंत्रालय का कहना है कि अभिनेत्री बहुत ज्यादा कामुक है और इनका इस तरह से सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करना देश की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। अब इस दकियानुसी सोच की चौतरफा निंदा तो की जा रही है और साथ ही इस अभिनेत्री ने सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है। इस मामले में कंबोडिया की सरकार के मंत्रालय का कहना है उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्हें अपनी तस्वीरें इस तरह प्रदर्शित करने से पहले देश की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए थे।